क्लास के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे, बाकी कुछ नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। पहला रूल क्या है, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट, बस यहीं पर आ जाओ, मन भागेगा, मन बोलेगा चल भाग यहाँ से यार, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा सुनने से ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है, वो बोलेगा आपको, लेकिन आपको बार बार लेके आना है। कल से एक रबर बैंड यहाँ पर बांध के रखना, रबर बैंड, जरा सा मन माइंड इधर भागेगा ना तो फटाक से ऐसा खोल के छोड़ दे, थक से फिर आप होश में आ जाएंगे। होश में आने का तरीका बता रहा हूँ, कभी कभी होता ना मन भाग जाता है, कभी ऐसा होता है कि अरे गेस्ट लोग आने वाले हैं, अभी ऐसा होने वाला है, मेरा फ्रेंड आने वाला है, ट्रेन में ये होने वाला है, चोरी होने वाला है, जो भी, ये सब दिमाग में बहुत सारी बातें आती है, अभी वो नया पिक्चर पुष्पा आने वाला है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। अगर इस सब से बाहर निकलना है, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट 100% दे दो, और थर्ड है माइंड को ओपन कर दो, साहब आज के बाद से जब भी आप कोई भी माइंड, जब भी मौका मिलेगा कहीं पर भी, सर ने कंपटीशन रखा है, ड्राइंग का कंपटीशन, हिंदी का कंपटीशन, मैथ का कंपटीशन, लैंग्वेज का कंपटीशन, तो क्या करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके, इस ड्राइंग के अंदर आपको क्या नया दिख रहा है बेटा, इस ड्राइंग में क्या नया दिख रहा है, हाथी बहुत बड़ा है, क्या नया क्या लग रहा है इस ड्राइंग में, नया क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था अगर आपको टैलेंटेड लोग चाहिए तो लास्ट बेंच पे जाना। हाँ बोलिए, इसमें कुछ खासियत नहीं है, इसमें पूछ नहीं है, अरे वो कट कर दिया है और क्या रहता है, ठीक है। ये वाला पैर पतला नहीं है, ये तो यहाँ से कट किया हुआ है, चलो ठीक है, बराबर है, और क्या है, यस, इतने बड़े हाथी को इतने छोटे रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ऐसा ही होता है। कभी आप लोग अगर सर्कस देखने जाएंगे यहाँ पर, कभी कलमबोली में, पनवेल में, वो सेंचुरी, करनाल सेंचुरी में कहीं लगा रहेगा, एसके रिसोर्ट में कहीं अगर लगा रहेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सर्कस लगा रहेगा, तो कभी भी सर्कस देखने के बाद बाहर आके देखना, हाथी को ऐसे ना रस्सी से बांधा रहेगा, हाथी को रस्सी से बांधा रहेगा, नॉर्मल रस्सी से, इतनी बड़ी बात है ना, ये नॉर्मल बात नहीं है, एबनॉर्मल बात है ये, इतने बड़े हाथी को टन का टन जो पूरे पेड़ को जो उखाड़ के फेंक देता है उसको, और उसको एक नॉर्मल रस्सी से, एक बच्चा भी उसको तोड़ सकता है, ये परी भी उसको तोड़ सकती है, ऐसा 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 रस्सी से बांधा रहता है। लेकिन इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती मालूम है, ये रस्सी की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, जब वो बच्चा रहता है ना, उस बच्चे को साखली से बांधा जाता है, साखली से बांध बांध के उसको वैसा रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो महावत होता है, जो उसका मालिक होता है, वो मालिक समझ जाता है, अब हेलीपैड को रस्सी से भी बांधो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड क्या हो गया है, आप सबके पास एक जबरदस्त हथियार है, सबके पास एक जबरदस्त हथियार है, वो है आपका माइंड, और जिस दिन आपने उसको ट्रेन कर दिया,